गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सेविक बाफना फ्रॉम आरएम इंस्टीट्यूट। आज आप लोगों के लिए क्लास सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन और क्लास इलेवेंथ के बच्चों के लिए आज अकाउंट्स का बेसिक आपको बताने वाला हूँ। तो अकाउंट आज आपको मैं प्रैक्टिकल तरीके से समझाने वाला हूँ। अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से अकाउंट को समझेंगे तो आपके लिए अकाउंट बहुत ही आसान हो जाएगा और अकाउंट में इंटरेस्ट भी आएगा। किसी चीज को अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से समझते हो तो 100% आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। तो काफी सारे बच्चे मैं देखता हूं वो अकाउंट्स को रटते हैं। अकाउंट्स को रटना नहीं है बेटा, अकाउंट को अपने को समझना है, ठीक है। तो आज से अपन अकाउंट को समझेंगे कैसे, प्रैक्टिकल तरीके से। और अकाउंट में काफी सारे कंसेप्ट है, काफी सारे की पॉइंट्स है, जिसको अगर आप एक बार समझ गए तो आपके लिए अकाउंट बहुत ही आसान हो जाएगा, सीरियसली। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको कंटिन्यू अकाउंट्स के एक से एक टॉपिक, की पॉइंट, कंसेप्ट, पपलू, मेरे कई सारे पपलू बने हैं मैंने, तो वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। चाहे वो सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट हो, सीए इंटर का स्टूडेंट हो, बीकॉम का स्टूडेंट हो, तो सभी के लिए ये काफी बेनिफिट रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आज अपन चालू करते हैं अकाउंट का बेसिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, सर अकाउंट होता क्या है और अकाउंट बनाते क्यों है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है, सर अकाउंट है क्या। तो बच्चों अकाउंट्स क्या होता है, जनरली जनरली बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होता है, राइट। इस पूरे वर्ड को अपन समझेंगे, अभी आप देखते जाओ। जनरली बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होता है उसको मॉनेटरी टर्म्स में, कौन से टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में क्या करना है बच्चे हम लोग को, रिकॉर्ड करना है, ठीक। तो जनरली बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होता है, तो पहला क्वेश्चन रहे जो, सर आपने जनरली वर्ड कहीं को लगाया है, यहाँ पर जनरली वर्ड कहीं को आया है इधर आपका। तो जनरली वर्ड इसलिए लगा बेटा क्योंकि हम लोग मैक्सिमम जो पढ़ने वाले हैं ना वो बिजनेस ट्रांजेक्शन को देखते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम पोर्शन अकाउंट में जो देखते हैं, क्या देखते हैं अपन, बिजनेस ट्रांजेक्शन, बड़ी बड़ी कंपनी हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ठीक है, फर्म हो गए, तो प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गए, तो इनके अकाउंट्स को हम लोग बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होता है उसको अपन क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सर तो बिजनेस के अलावा भी कुछ है क्या जिसका अकाउंटिंग अपन रिकॉर्ड करते हैं। हाँ करते हैं ना, जैसे कई सारे नॉन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। जैसे आपका टेंपल ले लो, टेंपल क्या बिजनेस कर रही है क्या, आप 50 रुपए दिए, 50 रुपए भगवान को चढ़ाया तो भगवान आपको ऐसा आशीर्वाद देते गया, ऐसा कुछ होते गया, ऐसा नहीं होता है। तो टेंपल हो गया, और क्या हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, गवर्नमेंट स्कूल हो गया, ये लोग बिजनेस नहीं कर रहे, ठीक है। ये समाज के सेवा के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए, पब्लिक के समाज को प्रमोट करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ठीक। तो अब यहां पर अपन मैक्सिमम जो पढ़ने वाले वो बिजनेस ट्रांजेक्शन को पढ़ने वाले, इसीलिए मैंने क्या वर्ड यूज किया सर, जनरली वर्ड यूज किया बच्चों। अब ट्रांजेक्शन, तो बिजनेस में क्या ट्रांजेक्शन होते हैं हम सबको पता है, प्रैक्टिकली देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। अगर मैं कोई बिजनेस ओपन किया हो तो मैं क्या करूंगा, गुड परचेस करूंगा सर, फिर क्या करूंगा, सेल करूंगा, बिजनेस का रेंट का पेमेंट करूंगा, सैलरी का पेमेंट करूंगा, और अगर मेरी फैक्ट्री है तो लेबर लोग को पेमेंट दूंगा। तो ये सब क्या हो रहा है, मेरे बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रहा है। बिल्डिंग परचेस कर रहा हूँ, ठीक है, और फर्नीचर परचेस कर रहा हूँ, कोई एसेट मेरे काम का नहीं तो उसको मैं सेल कर दे रहा हूँ, सरप्लस फंड है तो कहीं पर इन्वेस्ट कर दे रहा हूँ। तो ये सब मेरे बिजनेस में क्या हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। किसमें रिकॉर्ड करते तो हम लोग बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं सर, मॉनेटरी टर्म्स में। इन अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हम लोग रुपीस में रिकॉर्ड करते हैं, अगर हम लोग यूएस में होते तो कैसे करते, डॉलर में रिकॉर्ड करते, आ रहे क्या समझ में। तो जब अपन मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे तभी समझ में आएगा ना किस पार्टी से कितना पैसा देना है, इन टर्म्स ऑफ रुपीज में लेना है, ठीक है। अब रिकॉर्ड करना, सर रिकॉर्ड कैसे करते हैं अपन, तो बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, एसेट परचेस कर रहे हैं, एसेट सेल कर रहे हैं, तो ये सबको रिकॉर्ड क्यों करते हैं, क्या कारण है रिकॉर्ड करने का। तो इसको रिकॉर्ड इसलिए करते बच्चों कि हम लोग को हर एक ट्रांजेक्शन याद नहीं रह सकता, यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है कि हर एक ट्रांजेक्शन अपन यहाँ पर मेमोरी में फिट कर ले,
हम लोगों ने परसों क्या सब्जी खाया था, क्या खाना खाया था, हमको वो याद नहीं रहता है। तो फिर इधर बिजनेस में इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, वो किधर से याद रहने वाले, आ रहे के समझ में? तो हम लोग को क्या करने का है, यहाँ पर बिजनेस ट्रांजेक्शन को मॉनेटरी टर्म्स में आपको रिकॉर्ड करना है जनरली, ठीक है सर? ये तो समझ में आया कि अकाउंट्स क्या होता है, बिजनेस में जो जनरली बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको अपन रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, दूसरा एक चीज और समझ में आया सर, जरूरी नहीं है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, अदर देन बिजनेस ट्रांजेक्शन में भी कई बार अपन रिकॉर्ड करते हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया और गवर्नमेंट स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, टेम्पल हो गया, इन लोग भी अकाउंट मेंटेन करते हैं बच्चों, ताकि इनके फंड का जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया उसी ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो, उस फंड का यूटिलाइजेशन हो, ठीक। कोई अपने पर्सनल पर्पस के लिए फंड को यूज ना करे, तो वो भी अकाउंट को मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब आता है सर, अकाउंट बनाते क्यों है, क्या रीजन है अकाउंट बनाने का? सबसे मेन पॉइंट तो ये आता है ना, अकाउंट बनाते का कोई सर? तो अकाउंट इसलिए बनाते बच्चों, जो साल भर हम लोगों ने मेहनत किया है, इतनी कड़ी मेहनत की है, बिजनेस में परचेज किया है, सेल किया है, तो फाइनली फाइनली हमारे बिजनेस में ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया है कि हम लोगों ने लॉस किया है सर बिजनेस में, कब पता चलेगा? जब अपन अकाउंट मेंटेन करेंगे सर, तभी तो पता चलेगा ना। अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे तो बता सकते हो कि हमें कितने का प्रॉफिट अर्न किया, कितने का लॉस हुआ मेरे को, ठीक है? अब क्वेश्चन अराइज होता है सर, अगर मेरे को बिजनेस में पहले साल लॉस हुआ तो क्या करने का है? तो क्या दुकान को बंद कर दोगे, क्या शॉप को बंद कर दोगे, बिजनेस को बंद कर दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जनरली कई बार जब अपन नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है पॉसिबिलिटी हमको लॉस हो, ठीक है? तो फर्स्ट ईयर अगर आपको लॉस हो रहा है, इसका मतलब नहीं है आपको दुकान को क्लोज कर देना है। आपको क्या करना है, आपको प्लानिंग करनी है सर कि हम प्रॉफिट में कैसे आए, हम लोग कौन से खर्चे ज्यादा कर रहे हैं, हमारा रेवेन्यू नहीं बढ़ रहे तो क्यों नहीं बढ़ रहे, हमको रेवेन्यू कैसे बढ़ाना है, ये सब प्लानिंग करके अपने बिजनेस को क्या करना है सर, आगे लेके जाना है, ठीक। लेकिन अगर अकाउंट मेंटेन करूंगा तब तो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगा ना कि मैं बिजनेस में क्या कर रहा हूँ, प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ कि लॉस अर्न कर रहा हूँ। सर मेरे को कंटिन्यू लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस हुए जा रहा है, अब क्या करने का है? बच्चा अगर कंटिन्यू लॉस पे लॉस हो रहा है ना, तो वो बिजनेस बंद कर देने का ज्यादा बेटर रहेगा, और नए बिजनेस में स्विच हो जाओ, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अंडरस्टूड? तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा आपको? सर अकाउंट मेंटेन करेंगे तब तो सही टाइम में सही डिसीजन ले पाएंगे ना सर। अगर हम लोगों ने अकाउंट मेंटेन नहीं किया, लॉस पे लॉस हो रहा है, एक दिन घर भी बिक जाएगा, पता नहीं चलेगा घर कैसे बिक गया हमारा, आते हैं समझ में? तो इसीलिए क्या करने का है सर, अकाउंट को प्रॉपरली मेंटेन करने का है, ठीक। तो अकाउंट क्यों करना है सर, अब प्रैक्टिकल तरीके से समझ में आया सर, तो अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है, ये समझ में आया। आप अकाउंटिंग करते कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट अब आ रहा है। अच्छा सर, अकाउंट बनाने का क्या एक ही रीजन है क्या, प्रॉफिट लॉस, और कोई रीजन है क्या? हाँ, और रीजन है ना बच्चों, हम किस पार्टी को कितना पैसा देना है, किस पार्टी से कितना पैसा लेना है, कहां से पता चलेगा? अकाउंट से। अगर अकाउंट मेंटेन नहीं करोगे, आपने किसी से गुड परचेस किया है, वो 5 लाख का गुड परचेस किया है, आप पेमेंट दिए जा रहे हो, 5 लाख से ऊपर पेमेंट कर दे रहे हो, तो क्या होएगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो अकाउंट मेंटेन करोगे, 5 लाख के बाद अगर 1 रुपये भी मांगेगा ना, आप बोलोगे काहे का 1 रुपये चाहिए तेरे को, 5 लाख का गुड परचेस किया, 5 लाख का पेमेंट कर दिया, अब काहे का पैसा मांगता है? लेकिन अगर अकाउंट मेंटेन नहीं किया तो, हाँ बेटा मांगते जा तू पैसा, मैं देते जाता हूँ, दादाजी छोड़ के गए ना, तेरे लिए तो छोड़ के गए, आते क्या समझ में? तो यहां पर आपको अकाउंट मेंटेन करने से क्या होगा, किस पार्टी को कितना पैसा देना है, किस पार्टी को कितना पैसा लेना है, और अकाउंट क्यों मेंटेन करते हैं, कई सारे स्टेटरी रिक्वायरमेंट है, इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट है, कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो इस तरीके से कई लॉ की स्टेटरी रिक्वायरमेंट भी है जिसकी वजह से आपको अकाउंट मेंटेन करना होगा, ठीक है? ये तो हुआ आपका अकाउंट क्यों बनाना, ठीक। अब आता है सर, अकाउंटिंग करेंगे कैसे, कैसे करना है? तो यहां पर आपको बता दूं बच्चों, हम लोग जो है ना डबल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं अपन? डबल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, जहां पर एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ ड्यूल इफेक्ट, एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ ड्यूल इफेक्ट। एक क्या होगा सर, आपका डेबिट होगा और क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है? हम लोग किसको फॉलो करते हैं? डबल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, जहां पर एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ ड्यूल इफेक्ट। एक पर्टिकुलर एक ट्रांजेक्शन में क्या होगा, आपका डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा,
काइको, क्योंकि हम लोग अब डबल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने वो दादाजी के समय जो बही खाता मेंटेन करते थे मुनिम वाला, जो आपने देखा होगा रेड कलर का, वो अब मेंटेन नहीं करते। अब हम लोग क्या करते हैं सर, कंप्यूटराइज में सब अकाउंटिंग प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। तो आप यहां पर सर किस ट्रांजेक्शन को डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम लोग सीखने वाले किसको अपने को डेबिट करना है और कौन से ट्रांजेक्शन को अपने को क्रेडिट करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अकाउंट में दो अप्रोच है अकाउंटिंग करने के, पहला है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है आपका मॉडर्न अप्रोच। तो यहां पर पहला क्या आता है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा क्या आ जाएगा बच्चों आपका यहां पर मॉडर्न अप्रोच। तो ये दो अप्रोच आपको सिखाएंगे कि आपको किस ट्रांजेक्शन को डेबिट करना है और किस ट्रांजेक्शन को क्या करना है आपको क्रेडिट करना है, ठीक है। तो पहला मैं लेता हूं आपका बच्चा लोग ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच आज आपको सिखाने वाला है आपको किस ट्रांजेक्शन को डेबिट करना है और किस ट्रांजेक्शन को क्रेडिट करना है, ठीक। तो यहां पर ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर देखा जाए बच्चों, तो यहां पर दो अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा अभी, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है आपका, पर्सनल अकाउंट में कवर होती है सर नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल या लीगल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ये आपके कवर होते हैं पर्सनल अकाउंट में। इम्पर्सनल अकाउंट में रियल और नॉमिनल अकाउंट कवर होते हैं। तो ब्रॉड सेंस में अगर देखा जाए तो क्या क्या कवर हुए सर, पर्सनल अकाउंट हो गया पहला आपका, सेकंड क्या हो गया आपका रियल अकाउंट, थर्ड क्या हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। तो ये आपको सिखाने वाले हैं कि किस ट्रांजेक्शन को आपको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, और ये अपन समझने वाले बच्चों प्रैक्टिकल तरीके से, ठीक है। तो यहां पर पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन मतलब हम सब सर राम श्याम रीता सीता गीता अमित बफना, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जो क्रिएटेड बाय लॉ अगर होता है, जैसे कोई फॉर्म क्रिएट किए बैंक है और कंपनी है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। जैसे अगर अकाउंट में देखा जाए तो जनरली यहां पर जो आपको ध्यान रखना है कि बिजनेस सपोज ये मेरा बिजनेस है और ये बिजनेसमैन, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, बिजनेस और बिजनेसमैन क्या होता है, दोनों सेपरेट होते हैं, अंडरस्टूड। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या होते हैं बच्चों, दोनों सेपरेट होते हैं, ठीक है। अब यहां पर बिजनेसमैन बिजनेस में जो पैसा लगाता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं यहां पर कैपिटल। ये आपको पता होना चाहिए कि बिजनेसमैन बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, कैपिटल बोलते हैं। और अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज मतलब सर कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, पर्सनली घूमने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे ट्रेवलिंग में जो भी खर्चा कर रहे हैं, बिजनेस काम से नहीं जा रहे, अपने बच्चों का फीस का पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अपने लिए कपड़ा ले रहे हैं, वाइफ के लिए जेवर ले रहे, तो ये सब क्या हो गया सर, पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसको यहां पर बोला जाता है बच्चों ड्रॉइंग। तो हम लोग जनरली बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होता है, आपको पहले बताया था मैंने, क्या बताया था, जनरली बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होता है, तो हम लोग यहां पर जो कंसंट्रेट करेंगे किस में करेंगे बच्चों, हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन में कंसंट्रेट करेंगे बच्चों, ठीक है, कि हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है वो ट्रांजेक्शन को अपने को रिकॉर्ड करने का है, ठीक। तो यहां पर ब्रॉड सेंस में हम लोगों ने देखा है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो ये मैं आपको पूरा पिक्चर एकदम क्लियर करने वाला हूं ट्रेडिशनल अप्रोच में। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में पहला क्या आता है बच्चा लोग, आप लोग का पहला आता है पर्सनल अकाउंट, सेकंड क्या आएगा बच्चों, सेकंड हम लोगों ने देखा था रियल अकाउंट, नेक्स्ट क्या आएगा आपका यहां पर, नेक्स्ट आ जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट में काफी सारे थ्योरी भी है, वो आपको मैं बताते रहूंगा, एकदम से अगर मैंने आपको थ्योरी बताया तो आपको मजा नहीं आएगा, थोड़ा प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी अगर लिंक करते रहूंगा तो आपको अकाउंट में बहुत मजा आएगा।
तो हम लोग एकदम अकाउंट को मजे की तरह पढ़ने वाले हैं, टेंशन की तरह नहीं पढ़ने का अपने को। आया क्या समझ में? तो अब यहां पर पर्सनल अकाउंट में कौन कौन कवर होता है, रियल अकाउंट में क्या क्या कवर होता है और नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या कवर होता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में बच्चों कवर होता है यहां पर पर्सन। ठीक है, कौन कौन कवर होता है पता होना चाहिए, पर्सन। सेकेंड आता है आपका फर्म, फिर क्या कवर होता है आपका इंस्टीट्यूशन, फिर क्या कवर होगा आपका यहां पर बैंक। ओके, और क्या कवर होगा, पर्सन, फर्म, इंस्टीट्यूट, बैंक एंड कंपनी। तो यहां पर पर्सनल अकाउंट में जो बेसिकली कवर होते हैं वो कौन कौन कवर होते हैं, पर्सन हो गया, फर्म हो गया, इंस्टीट्यूट, बैंक एंड कंपनी। पर्सन कौन होगा सर, पर्सन राम श्याम रीता सीता गीता। फर्म में क्या आ जाएगा आपका, फर्म में जैसा आपका आ जाएगा सर आशा इलेक्ट्रॉनिक, उषा इलेक्ट्रॉनिक, भवानी सू, भवानी किराना। ठीक है, इंस्टीट्यूट में क्या आ जाएगा आपका, इंस्टीट्यूट में आ जाएगा सर आपका रम इंस्टीट्यूट आ जाएगा, या जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो कवर होंगे। बैंक, बैंक में क्या कवर होता है, IDBI बैंक, SBI बैंक, HDFC बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ गुजरात, तो ये सब बैंक कवर होते हैं यहाँ पर बैंक में। कंपनी, कंपनी किसको बोलते हैं, जिसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड वर्ड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कंपनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड क्या लगा है LTD, तो क्या हो गया ये कंपनी। अच्छा सर भवानी एंड कंपनी क्या होएगा, भवानी एंड कंपनी, भवानी एंड कंपनी इज अ कंपनी। नहीं सर, यहां तो लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं है ना, हाँ तो क्या होगा ये होगा बच्चों फर्म होगा। तो भवानी एंड कंपनी किसमें कवर होगा आपका, फर्म में। तो ये कंफ्यूजन आप दूर रखेंगे। ठीक है बच्चों, कंपनी वर्ड लग गया इसको मतलब नहीं है कि वो कंपनी है, अंडरस्टूड। जैसे प्राइवेट लिमिटेड में आशा डायमंड डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या हो गया आपका कंपनी। अब हम लोग आ रहे हैं यहां पर डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। ठीक, अब मेन सीखने वाले हैं सर डबल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ ड्यूल इफेक्ट। तो आपको किस ट्रांजेक्शन को डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है प्रैक्टिकल तरीके से अपने को समझना है। ठीक है, तो यहां पर बोलता है डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को क्या करना है आपको डेबिट और गिवर को क्या करना है आपको क्रेडिट। ठीक है, तो सबसे पहला बच्चों प्रैक्टिकली अब इधर ध्यान दो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रिसीवर गिवर कभी भी सामने वाले को देखना है। ठीक है, तो ये आपका बिजनेस है, ये क्या है आपका बिजनेस है। हम लोग जनरली बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होगा तो बिजनेस ट्रांजेक्शन में क्या करना है सर, कंसंट्रेट करना है। मैंने राम के पास से गुड परचेस करके लाया, किससे गुड परचेस करके लाया, राम से। तो राम क्या हो रहा है यहाँ पर, गिवर हो रहे, हो रहे ना गिवर, हमको गुड दे रहे सर, गिवर हो रहे वो। तो गिवर को क्या करने का मांगते हैं यहाँ पर, क्रेडिट। गिवर को क्या करना है, क्रेडिट। तो राम को क्या करेंगे, क्रेडिट। आ रहे समझ में सर। हम लोगों ने अपने बिजनेस से ना श्याम को क्या किया, गुड सेल किया, श्याम को गुड सेल किया। तो गुड सेल किया तो श्याम क्या हो रहा है, रिसीवर, उसको क्या मिल रहा है, गुड्स मिल रहे हैं। हाँ सर, सामने वाले को देख रहे हैं, पर ध्यान रखना है रिसीवर गिवर किसको देखना है आपको, कभी भी सामने वाले को। तो यहां पर श्याम क्या हो रहा है सर, रिसीवर हो रहा है। तो श्याम का अकाउंट क्या करना है आपको, डेबिट करने का है। आ रहे क्या, पूरा पिक्चर क्लियर। ठीक है, तो ऐसा ही प्रैक्टिकल तरीके से समझ रहे हैं। तो यहां पर कई सारे बच्चों को ये नहीं पता रहता है, बस डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर रख लेते हैं। तो किसको, सामने वाले को देखना है। अगर बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक में अगर मैं डिपॉजिट किया, ये मेरा बिजनेस है और ये मेरा बैंक है, बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट किया तो बैंक क्या हो रहा है, रिसीवर। तो बैंक को क्या करना है, डेबिट करना है। अरे वाह सर, कितना ईजी हो गया ना। अच्छा सर, बैंक से विड्रॉ किया हम लोगों ने, हमको पैसे की जरूरत थी, बैंक से पैसा विड्रॉ करके लेके आए, तो बैंक क्या हो गया, गिवर। क्या करना है, क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, कितना सिंपल हो गया। अब नेक्स्ट आता है बच्चों आपका यहां पर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या क्या कवर होता है, तो बेसिकली यहां पर आपका कवर होता है बच्चों
एसेट, ठीक है। एसेट में जैसे क्या क्या एसेट हो सकता है आपका, जैसे एक और बाइफर्केशन के साथ, तो जैसे एसेट में आपका क्या क्या कवर होता है, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। क्या क्या कवर होगा आपका, प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगा, जो आप बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हो उसको क्या बोला जाता है, एसेट। तो लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, और क्या होता है, फर्नीचर, और क्या होगा आपका, व्हीकल, राइट। और क्या होता है सर एसेट में, और क्या क्या आता है आपका, ठीक है, स्टॉक, स्टॉक जो साल के लास्ट में आपके पास बच गया वो स्टॉक भी क्या होता है आपका, एसेट होता है। कैश, ये कैश का बैलेंस जो आपके पास है वो भी क्या होता है आपका, स्टॉक। तो रियल अकाउंट क्या बोलते हैं अभी यहाँ पर, आपके बिजनेस में कवर क्या होता है, एसेट। एसेट में जैसे लाइक लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, स्टॉक, कैश, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, पैटेंट, कॉपीराइट। तो अब यहां पर रियल अकाउंट बताएगा आपको किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। यहां पर बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो व्हाट मतलब है सर यहां पर एसेट, अगर आपके बिजनेस में ये आ रहा है तो आपको क्या करने का है, डेबिट। और अगर आपके बिजनेस से जा रहे तो क्या करने का है उसको, क्रेडिट। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर आपके बिजनेस में लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल आ रहे तो क्या करो, डेबिट। कैश आ रहे तो क्या करो, डेबिट। जा रहे तो क्या करो, क्रेडिट। कितना सिंपल अकाउंट है ना, एकदम आसान हो गया ना अकाउंट। बस ऐसे ही प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे अभी। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करने गया अपने बिजनेस के लिए, लगेगा ना। तो अब मैं लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करने गया तो मेरे पास क्या आया, लैंड एंड बिल्डिंग आया, तो क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या पास करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, और चेक से पेमेंट किए तो बैंक, बैंक गिवर। कैश जा रहा है, जा रहे तो क्या करने का है, क्रेडिट। लैंड एंड बिल्डिंग आ रहा है, आ रहे तो क्या करने का है, डेबिट। तो यहां पर बोलता है कि अगर कोई भी लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर अगर आप परचेज कर रहे हो और आपके पास बिजनेस में आ रहा है, कहां पर आ रहा है, बिजनेस में, तो क्या करना है आपको, उसको डेबिट करना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया तो बच्चों क्या करना है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट करना है, फर्नीचर अगर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। सर अगर सेल करेंगे तो क्या करने का है, ठीक है, मैं सामने वाले को बोला भैया ये प्लांट एंड मशीनरी मेरे काम करेंगे, तू लेके जा, बदले में मेरे को कैश दे दे। तो आप मेरे बिजनेस में क्या आया, कैश आया क्या, तो क्या एंट्री पास करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे बिजनेस में कैश आ रहा है। और क्या जा रहा है बच्चों, प्लांट एंड मशीनरी जा रहा है, तो टू प्लांट एंड मशीनरी। तो आपके बिजनेस में कैश आ रहा है तो क्या करना है, डेबिट, और प्लांट एंड मशीनरी जा रहा है तो क्या करना है, क्रेडिट। बस यही तो है, कितना सिंपल है अकाउंट, बस ऐसा ही प्रैक्टिकली समझना है। अकाउंट बहुत आसान है सर, बट आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझना है। और कई बार बच्चों को अगर ज्यादा थ्योरी पढ़ा है तो वो बच्चा को टेंशन आता है सर क्या थ्योरी थ्योरी पक गए। तो आपको पूरा प्रैक्टिकल तरीके से अकाउंट बता रहा हूँ, थ्योरी भी आपको कई सारे बीच में बताते रहूंगा, ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि हमारे बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस या क्या हो रहा है सर, लॉस, एक्सपेंसेस और लॉस को क्या करने का है आपको, यहाँ पर डेबिट करने का है। तो डेबिट क्या करना है आपको, आपके बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस या लॉस हो रहा है उसको क्या करना है आपको, डेबिट करना है, ठीक। एक्सपेंसेस, लॉस, रेवेन्यू, इनकम, गेन, ये सब का कवर होता है आपके नॉमिनल अकाउंट में। तो यहां पर क्या आएगा सर, क्रेडिट। क्रेडिट किसको करेंगे अपन, रेवेन्यू, इनकम और गेन। तो इसको आपको क्या करना है, अपने बिजनेस में क्रेडिट करना है, ठीक है। आप लोग ये नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, क्या क्या कवर होता है ये सब आपको पता रहना चाहिए, ठीक। तो सर एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, जो डे टू डे अपन अपने बिजनेस में करते हैं सर, रेंट का पेमेंट, सैलरी का पेमेंट, कमीशन का पेमेंट, गुड परचेज करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा एक्सपेंसेस। लॉस क्या होता है, लॉस क्या होता है, देखो इसको आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताता हूं, इसको अच्छे समझो। जो हम नहीं चाहते और हमारे बिजनेस में हो जाता है, जो हम नहीं चाहते और हमारे बिजनेस में हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, लॉस। सर जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बताओ, जैसे ये भाई साहब कौन है, मोपेन, क्या किया, हमारे बिजनेस से गुड्स उठा के ले गया, तो क्या हो गया, चोरी हो गई सर,
कोई चाहता है कि मेरे बिजनेस से सामान चोरी हो जाए? नहीं सर। तो क्या हो गया आपका? लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय थेफ्ट क्या होता है आपका? लॉस। आग लग गई सर, गोडाउन में आग लग गया, गुड्स आग लग गया पूरा। तो लॉस बाय फायर क्या है? लॉस है। हम चाहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं चाहते सर, कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे गोडाउन में आग लग जाए। तो ये क्या हो गया आपका? लॉस। ठीक है। और हमको बिजनेस रन करने के लिए डे टू डे जो करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपेंसेस। जैसे रेंट का पेमेंट किया, सैलरी का, कमीशन का, ब्रोकरेज का। ठीक है, ये सब हम लोग बिजनेस को चलाने के लिए डे टू डे करना पड़ेगा सर। सर हम रेंट देना नहीं चाहते। नहीं देना चाहते तो बेटा फुटपाथ में दुकान लगा लो ना। सर हम सैलरी देना नहीं चाहते, तो ठीक है झाड़ू पोछा लगा लो अपने बिजनेस का। तो करना पड़ेगा ना सर, बिजनेस चलाना है तो ये सब करना पड़ेगा। बिजनेस संभालूंगा कि झाड़ू पोछा लगाऊंगा? अरे के समझ में। आप नेक्स्ट आते हैं सर, रेवेन्यू क्या होता है? तो रेवेन्यू किसको बोलते हैं? जितना भी मैं गुड सेल करता हूं उसको रेवेन्यू। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी मेरे को फीस मिलता है वो क्या होता है? मेरा रेवेन्यू। एज अ इंस्टीट्यूशन मेरे को बच्चों से जो भी फीस आता है वो क्या होता है? मेरा रेवेन्यू होता है। इनकम क्या होता है सर? जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला, कमीशन मिला, ब्रोकरेज मिला, ये क्या होता है? आपका इनकम, आपके बिजनेस का इनकम। गेन, जैसे एसेट वगैरह सेल करते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये अगर सेल करते हैं तो वहां से जो प्रॉफिट आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गेन बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक्सपेंसेस और लॉस जो भी होगा उसको क्या करना है आपको? डेबिट। रेवेन्यू इनकम किनको क्या करना है? क्रेडिट। सर एक बार प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। देखो इधर, सपोज सर मैंने ना लैंड एंड बिल्डिंग नहीं ले पा रहा था, स्टार्टिंग किया बिजनेस, मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने रेंट पे ले लिया। अब ये बिजनेस मैंने किस पे लिया है? रेंट पे। तो अब रेंट दूंगा तो रेंट क्या है? मेरे बिजनेस का एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस को क्या करना है अपने को? डेबिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट। अब रेंट दिया तो क्या दिया? हवा, पानी, गैस। क्या गया? हवा दिए क्या या पानी दिए या गैस दिए? सर हम लोगों ने कैश दिया होगा ना सर। रेंट का पेमेंट करे तो क्या देते? पेमेंट करते तो क्या देते बच्चा? कैश देते हैं या चेक से पेमेंट करते हैं? चेक से पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? बैंक गिवर, तो बैंक को क्रेडिट करने का है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। सपोज 5000 का पेमेंट किया तो यहां पर क्या जाएगा आपका? डेबिट साइड 5000 और क्रेडिट साइड 5000। तो इसका फॉर्मेट भी अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन एंट्री सीखते हैं। एंट्री अगर एक बार सीख लिया तो हमारे लिए अकाउंट बहुत आसान हो जाएगा। फॉर्मेट तो सिर्फ 2 मिनट का बच्चों। ठीक, तो यहां पर हम लोगों ने रेंट का पेमेंट किया तो रेंट हमारा एक्सपेंसेस है। सैलरी का पेमेंट किया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि सैलरी हमारा क्या हो गया सर? एक्सपेंसेस हो गया। तो क्या करने का है यहां पर? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कमीशन का पेमेंट किया तो क्या करने का है? कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। इंटरेस्ट का पेमेंट किया तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस क्या होगा? डेबिट। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सर रेवेन्यू इनकम गेन भी तो बताओ। अब हमको यहाँ पर हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर गुड सेल किया, किसको? श्याम को। तो श्याम को गुड सेल किया तो श्याम क्या हो जाएगा? रिसीवर। श्याम कहाँ कवर होता है? श्याम कवर होता है सर पर्सन में। तो श्याम को गुड सेल किया तो क्या हो गया? वो रिसीवर। तो क्या एंट्री पास करेंगे यहाँ पर? यहाँ पर एंट्री पास करने वाले हैं श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल। श्याम क्या हो गया यहाँ पर? रिसीवर। रिसीवर को क्या करना है सर? हमको डेबिट करना है। और सेल क्या है हमारा बच्चों? रेवेन्यू। रेवेन्यू को क्या करना है यहाँ पर? क्रेडिट। गॉट इट? ओके। अब अपने को इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिला। अब यहाँ पर इंटरेस्ट मिला है तो इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या हो रहा है सर? हमारी इनकम हो रही है। इंटरेस्ट मिला, कमीशन मिला, ब्रोकरेज मिला, तो हमारी क्या हो गई? इनकम। तो एंट्री क्या पास करेंगे? इंटरेस्ट मिला तो सामने वाला क्या देगा? हवा, पानी, गैस? नहीं सर, कैश देगा ना सर। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कैश आ रहा है बिजनेस में। बिजनेस में अगर कैश क्या हो रहा है? आ रहा है। व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन। तो अगर आपके बिजनेस में कैश आ रहा है तो क्या करने का है? डेबिट। और कैश जा रहा है तो क्या करना है? क्रेडिट। तो अभी तो इंटरेस्ट का पैसा ला के दिया ना सर मेरे को, तो मेरे पास कैश क्या हुआ? आया। ठीक है, अब इंटरेस्ट क्या है हमारा? इनकम है। इनकम को क्या करने का इधर? क्रेडिट। हो रहा है पूरा क्लियर? ठीक है, अब जैसे कमीशन मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू, यहां पर क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट की जगह कमीशन। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन।
ठीक है सर, अगर अपने को यहां पर ब्रोकरेज मिला है, ब्रोकरेज मिले तो क्या लिखेंगे यहां पर, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रोकरेज, राइट। तो ये है आपका डेबिट और क्रेडिट करने के लिए जो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक। तो इसको आप लोग पॉज करके क्या करेंगे, इसको पहले नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए परमानेंट काम आ जाएगा। पूरा डिटेल के साथ आपको मैंने बता दिया है। तो ये हम लोगों ने ब्रॉड सेंस में देखा है, ठीक है, कि बेसिकली क्या क्या कवर होता है, ठीक। अब यहां पर मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। आज अपन क्या देखेंगे, आप इसका जर्नल एंट्री देखेंगे, ठीक। तो आज अपन अब देखते हैं जर्नल एंट्री। ये देखो, ये आपका सामने क्वेश्चन, आर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आर ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, कितना 5000 से। तो 5000 क्या किया, पैसा लगाया उसने, ठीक है। अब मेरे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो क्या करने का, डेबिट। अच्छा, आप लोगों को मैंने बताया था अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या होते हैं बच्चों, सेपरेट, बताया था ना। तो ये कौन है, आर। तो इसने बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, कैपिटल। हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश। तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बिजनेसमैन गिवर है, पैसा दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। बिजनेसमैन जो पैसा देता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो अब बिजनेस में पैसा लगाया तो क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल क्रेडिट। ही परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 1200। तो फर्नीचर क्या होता है, आपको बताया था हमारा एसेट है। तो एंट्री क्या पास करेंगे यहाँ पर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, और क्या जा रहा है सर, कैश। और अगर बैंक से चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक। पेड सैलरी टू हिज क्लर्क, तो मैंने अपने क्लर्क को सैलरी का पेमेंट दिया। तो बिजनेस से अगर मैंने सैलरी का पेमेंट दिया तो मेरे पास से क्या गया, कैश। कैश गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट। और सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस। तो यहां पर सैलरी अकाउंट डेबिट, काय को डेबिट, एक्सपेंसेस है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारे बिजनेस से कैश गया। हाउ मच, 1100। पेड रेंट, रेंट का पेमेंट किया, रेंट का पेमेंट किया, तो रेंट क्या है आपका, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट डेबिट होता है। तो रेंट अकाउंट डेबिट और टू कैश। रिसीव इंटरेस्ट, तो सर हमको इंटरेस्ट मिला यहां पर, तो सामने वाला क्या दिया होगा, हमने को कैश दिया होगा। तो यहां पर हो जाएगा आपका कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, कैश आ रहा है, और इंटरेस्ट क्या है हमारा, इनकम है। तो इनकम को क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट। आया समझ में, गॉट इट एवरीबडी, ठीक है। तो ये था आपका जर्नल एंट्री, ठीक। अब एक बार अपन फॉर्मेट देख लेते हैं, ये है इसका फॉर्मेट, ठीक है। जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या है, पहला क्या आता है आपका, डेटा टाइप, फिर क्या आता है आपका, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक। ये इसका फॉर्मेट है। तो जब भी आप जनरल एंट्री पास करोगे तो पहले क्या फॉर्मेट बनाओगे आप, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ये आपका फॉर्मेट रहेगा, ठीक। तो जैसे ये क्या हो गया आपका, यहां पर अगर इसको जनरल एंट्री को फॉर्मेट में रखूं तो ये आपका डेट आ गया, आपने 5 मई को ट्रांजेक्शन किया, यहां पर क्या आ जाएगा आपका, पर्टिकुलर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर लेजर फोलियो, लेजर फोलियो के कॉलम में आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यहां क्या आ जाएगा आपका, अमाउंट इन रुपीज, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका, अमाउंट इन रुपीज। ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका डेबिट, और ये क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मेट, ऐसा आप लोग फॉर्मेट खींचोगे। तो जनरल एंट्री पास करते समय आपको ये फॉर्मेट बनाना होगा।
ठीक है, तो ऐसे पूरे पेज में आप क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद जितने भी ट्रांजेक्शन आपको दिए सबको लाइन से नोट डाउन करते रहेंगे। जनरली आपको यहां पर जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है डेबिट क्रेडिट को आपको जनरली वैसे अभी टोटल करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो टोटल भी कर सकते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहां पर टोटल करने की जरूरत जनरली नहीं है। अगर क्लास 11 की बात करो तो जिस स्कूल में बोलते टोटल करना है कर देना, जिस स्कूल में बोलते नहीं करना नहीं करना। ठीक, तो यहां पर जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उन सबको आपको क्या करना है, ऐसा रिकॉर्ड करते जाना है। तो ये ऐसा आपको फॉर्मेट बनाना होगा। ये है आपका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। तो ऐसा पूरा आप क्या करेंगे अपने कॉपी में पूरा ड्रॉ कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ऐसा यहाँ पर आपको पूरा रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ये लेजर फोलियो के लिए मैं ये यहाँ पर ले लेता हूँ। ये ऐसा आपका फॉर्मेट रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये अब आपका हो गया फॉर्मेट। अब यहाँ पर नरेशन, नरेशन लिखना है क्या? बिल्कुल 100% आपको नरेशन लिखना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो जब भी आप जनरल एंट्री पास करेंगे आपको नरेशन लिखना होगा। ठीक, नरेशन एकदम आसान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, सर हम लोगों ने गुड परचेस किया तो क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहां पर क्या करना है आपको, बीइंग गुड परचेस इन कैश हो गया, गुड परचेस फ्रॉम राम, बीइंग गुड परचेस फ्रॉम राम, नरेशन हो गया बीइंग गुड परचेस फ्रॉम राम। तो एकदम सिंपल हो गया नरेशन आपके लिए। ठीक है, अब हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं जर्नल एंट्री कैसे पास करना है। तो अब काफी सारे ट्रांजेक्शन है जिससे अपने को सीखना है कि अपने को एंट्री कैसे पास करना है। ठीक है, तो एक बार आपको पहले एक सीक्वेंस बता देता हूं। अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट है कंफ्यूजन को दूर करना। तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन दूर करूंगा, उसके बाद आपको एंट्री में ले चलूंगा। ठीक है, तो अभी आपका पहले कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है सर अकाउंट को सिस्टमैटिक तरीके से समझना, तब आपके लिए आसान हो जाएगा, अदरवाइज आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा। चलो देखते हैं अभी कैसे आपको सिस्टमैटिक समझना है। पहला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, गुड परचेज, गुड्स परचेज ऑफ रुपीज 10,000। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑफ रुपीज 20,000। थर्ड क्वेश्चन है यहां पर गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम इन कैश रुपीज 30,000। अब यहां पर आपको पहला अकाउंट में काफी कंफ्यूजन दूर करना है अपने को। ठीक है, नहीं तो बच्चा यहां पर बहुत कंफ्यूज होता है। तो ऐसा सिस्टमैटिक पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अकाउंट में कंफ्यूजन नहीं रहेगा सर, एकदम हमारे लिए अकाउंट क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। गुड परचेस किया, गुड परचेस किया, तो अब यहां पर परचेस हमारा क्या है, एक्सपेंसिज है, राइट। कुछ ऑथर बोलते हैं सर अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट हमारे पास गुड्स आ रहे हैं स्टॉक के फॉर्म में, तो आ रहे तो क्या करो डेबिट, तो रियल अकाउंट में कवर हो गया। हमारा सी इंस्टीट्यूट भी क्या बोलता है, सेम चीज बोलता है, एक्सपेंसेस भी बोलता है और इसको साथ में रियल अकाउंट के थ्रू भी ट्रीट करता है। ठीक, तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग परचेस एक्सपेंसेस लेके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर एंट्री क्या पास करने वाला हो, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने से 10,000 से। सर यहां पर आपने परचेस को एक्सपेंसेस क्यों ट्रीट किया,
गुड्स आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्यों नहीं किया? तो ये अभी आपको ज्यादा डिटेल में समझ में नहीं आएगा। एक बार आपको पहले पूरा कई सारे कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि सर मैंने यहाँ पर एक्सपेंसेस क्यों ट्रीट किया है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको मैं बाद में डिटेल पूरा क्लियर करूंगा। ठीक, अब यहां पर सर कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट अपन ने क्या माना है, इसको कैश ट्रांजेक्शन माना। ठीक, अब यहां पर क्या बोलते हैं, गुड परचेज फ्रॉम राम, यहां पर राम दिया हुआ है, यहां पर राम नहीं दिया था, ना श्याम दिया था, ना किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया था। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका परचेज अकाउंट डेबिट। को डेबिट परचेज एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। और गुड्स कौन दे रहा है हमको, राम, तो राम क्या हो गया, गिवर। गिवर को क्या करना है सर, क्रेडिट करना है, तो टू राम हाउ मच, डेबिट साइड 20,000 और क्रेडिट साइड 20,000। आपको पूरे फॉर्मेट में सॉल्व करना है, ये मैं क्वेश्चन वाइज अभी सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन आपको पूरे फॉर्मेट में लाइन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, गुड परचेज फ्रॉम श्याम इन कैश ₹30,000। सर यहां पर श्याम का भी नाम दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, आपका कैश भी दिया हुआ है। तो अब परचेज किया आपने गुड्स, अगर गुड्स आपने परचेज किया है तो परचेज क्या होता है आपका, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है बच्चों, डेबिट। तो यहां पर अपन लिखने वाले परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां पर नाम नहीं लिखेंगे, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन था। अगर आपको सिर्फ कभी भी क्वेश्चन में अगर नाम दिया है तो ये आपका कौन सा ट्रांजेक्शन है, ये आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। मतलब आपने उधार में गुड परचेज करके लाया, तो उधार में गुड परचेज करके लाया तो राम क्या आपका गिवर, उसको आपको पैसा देना है, आपका क्रेडिटर भी है, जिससे गुड परचेज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर क्या हो गया, हमारा लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी क्या होता है और क्रेडिट होता है, तो राम गिवर है, लाइबिलिटी है, तो इसलिए क्या किए उसको क्रेडिट किए। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश क्यों किए सर, यहां पर नाम क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये हमारा कैश ट्रांजेक्शन है। अगर पार्टी का नाम लिख दिया, पर अगर हम लोगों ने लिख दिया श्याम, तो अब क्या होने वाला है, कैश नहीं लिखा हम लोगों ने, क्या लिख दिया, श्याम लिख दिया, तो अब क्या होने वाला है सर, यहां पर अगर हम लोगों ने श्याम लिख दिया है तो हमको श्याम को पैसा फिर देना पड़ेगा। श्याम ईमानदार है तो बोलेगा, अरे भाई काय का पैसा देता है, मेरे को पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपने जब परचेज किया था तभी कैश दे दिया, और ईमानदार नहीं था वो बोलेगा भाई पैसा निकाल के रख, अब भी ले रहा हूं पैसा लेने के लिए। तो प्रॉपर अकाउंटिंग करना बेटा, यहां पर आपका कैश ट्रांजेक्शन है तो यहां पर श्याम लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, तो बच्चों अब हम लोग करने जा रहे हैं काफी सारे ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री। तो अब हम लोग काफी सारे ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री देखेंगे, कैसे एंट्री पास करना है, कंसेप्ट के साथ समझना है अपने को, क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट। ठीक है, तो लाइन से मैं आप लोगों को यहां पर समझाने वाला हूं कि आपको एंट्री कैसे पास करनी है। ठीक है, तो एकदम ध्यान से देखेंगे आप लोग। एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट, तो आपको नेचर ऑफ अकाउंट भी बताना है, दैट विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड एज पर द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। तो हम लोगों ने भी क्या सीखा है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, राइट। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच अपन ने क्या देखा था सर, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर गिवर किसको देखना है, कभी भी सामने वाले को, अपने आप को देखना है क्या, कभी भी नहीं सर। तो पर्सनल अकाउंट में कभी भी अपने आप को नहीं देखना है, रिसीवर गिवर सामने वाले को देखना है। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में आपको देखना है कि आपके बिजनेस में एसेट आ रहे क्या, एसेट लाइक लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल आ रहे तो उसको क्या करना है, जो एसेट आ रहा है रिलेवेंट एसेट को डेबिट करना है, और अगर एसेट जा रहा है तो क्या करना है, रिलेवेंट एसेट को आपको क्या करना है सर, क्रेडिट करना है। गॉट इट। नॉमिनल अकाउंट बोलता है आपके बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस या लॉस होता है उसको क्या करना है, डेबिट। रेवेन्यू इनकम किनको क्या करना है आपको, क्रेडिट। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग। दिनेश स्टार्टेड अ बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ ₹1,50,000 इन कैश। तो हमारे बिजनेस में क्या हुआ, हमारे बिजनेस में
मैं बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जनरली बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो मेरे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, ठीक है, तो कैश आ रहा है तो क्या करना है, डेबिट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, तो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, आपको समझाया था। तो बिजनेसमैन क्या है, गिवर, गिवर को क्या करना है, क्रेडिट। मैं बिजनेस में ट्रांजेक्शन कर रहा हूं तो अपने आपको बिजनेस मानना है, तो अब यहां पर गिवर कौन है, बिजनेसमैन। तो आप बिजनेसमैन जो पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग, कैपिटल। तो यहां पर 150,000 से क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। तो यहां पर कैश अकाउंट डेबिट 150,000 और कैपिटल कितना हो जाएगा आपका, 150,000, ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट, ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग रुपीज 1 लाख। हम लोग बैंक गए और वहां पर बैंक को बोले हमारा अकाउंट खोल दो, हमारे बिजनेस का अकाउंट खोल दो, ठीक है। तो बैंक बोला ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, ये लो 1 लाख रुपए करके बैंक को दे दिया। तो बैंक क्या हो गया, रिसीवर, रिसीवर को क्या करना है, डेबिट। यहां पर क्या हो जाएगा आपका, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि बैंक रिसीवर है। हमारे पास से क्या गया सर, कैश गया। तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। क्या करना है बच्चों, क्रेडिट, कितना, 1 लाख, गॉट इट। रिसीव अ लोन 1 लाख फ्रॉम नरेश बाय चेक। तो नरेश से हमको 1 लाख रुपीज का क्या मिला है, चेक मिला है। तो चेक मिला है तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो बैंक क्या हो जाएगा, रिसीवर। यहां पर क्या एंट्री पास करने वाले है, तो सर हमको नरेश से चेक मिला, हम लोगों ने बैंक में जाके जमा कर दिया। तो एंट्री पास करेंगे, बैंक रिसीवर है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब नरेश ने क्या किया सर, गिवर है, गिवर को क्या करते, क्रेडिट। तो एज अ लोन दिया उसको, तो क्या करना पड़ेगा, तो हमको यहां पर लोन के रूप में लिखना पड़ेगा, टू लोन फ्रॉम नरेश, लोन फ्रॉम नरेश, पता चलना चाहिए हम लोगों ने एज अ लोन लिया है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, 1 लाख रुपीज। तो नरेश ने हमको चेक दिया, हमने बैंक में डिपॉजिट किया, चेक अपने पास तो रखेंगे नहीं, पैसा कहां आएगा बैंक में जमा करने से। तो बैंक क्या हो गया, रिसीवर, चेक जमा किया बैंक में, बैंक क्या हो गया, रिसीवर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम नरेश। अब नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। तो राज फर्नीचर हाउस गया, मैं बोला भैया ये फर्नीचर चाहिए। तो फर्नीचर क्या है, मेरा एसेट, फर्नीचर क्या है, एसेट, ठीक है। तो अब यहां पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोगों ने फर्नीचर अकाउंट क्या कर दिया बच्चों, डेबिट, क्योंकि एसेट आ रहा है। और क्या जा रहा है हमारे पास, कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। सर फर्नीचर परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट भी तो कर सकते ना, परचेज अकाउंट डेबिट नहीं बच्चों। यहां पर आपको समझना होगा कि गुड्स क्या होते हैं और एसेट क्या होते हैं, गुड्स क्या होता है और एसेट क्या होता है, पहले आपको ये प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। अगर मेरा इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है तो टीवी, फ्रिज, ठीक है, कूलर और ये एसी, ये सब क्या है, मेरा गुड्स है। तो जब भी हम लोग गुड परचेस करेंगे ना बच्चों, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी परचेस करेंगे ना, तो परचेस लिखेंगे, आ रहे समझ में। और जब सेल करेंगे, गुड्स को सेल करेंगे तो सेल लिखेंगे। तो गुड्स और एसेट डिफरेंट है। अगर आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, ये आपके बिजनेस का गुड्स है। अगर मेरा कार का शोरूम है तो जितने भी कार है क्या है, मेरा गुड्स है, आ रहे समझ में। एसेट, एसेट क्या होता है, एसेट में जैसे यहां पर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मैं फिक्स एसेट की बात कर रहा हूं यहां पर, तो फिक्स एसेट में क्या आता है, जैसे आपका लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल। तो जब आप एसेट परचेस करोगे ना, तो आपको परचेस अकाउंट नहीं लिखना है, आपको रिलेवेंट एसेट को डेबिट क्रेडिट करना है। अगर लैंड बिल्डिंग आ रहा है तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी आ रहा है तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, और व्हीकल आ रहा है तो व्हीकल अकाउंट डेबिट, आ रहे समझ में। तो यहां पर गुड्स और एसेट दोनों को ध्यान रखना। अगर आप गुड्स परचेस कर रहे हो तो परचेस अकाउंट डेबिट करना, अगर आप लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, तो बाय डिफॉल्ट ही आपका एसेट है, तो रिलेवेंट एसेट को डेबिट क्रेडिट करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो अकाउंट का कंफ्यूजन ऐसे दूर करके चलना है, तब अकाउंट में आपका मास्टरी होएगा सर,
अदरवाइज कंफ्यूज बैठे रहोगे, और आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल तरीके से समझते जाना है। परचेज फर्नीचर फ्रॉम डेली सेफ फॉर रुपीज 40,000। तो डेली सेफ के पास गया और मैंने फर्नीचर परचेस किया। यहां पर कैश वर्ड है, यहां पर कैश वर्ड नहीं है, पार्टी का नाम दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया सर। ठीक है, तो एंट्री क्या पास करने का, यहां पर आपने फर्नीचर परचेस किया है, तो फर्नीचर क्या है आपका, एसेट है, गुड्स नहीं है ना। गुड्स रहता है तो परचेस अकाउंट डेबिट करते हैं, बी केयरफुल। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू डेली सेफ, ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका, यहां पर डेली सेफ हो जाएगा। आ रहे बच्चों समझ में, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट परचेज गुड फॉर कैश, ये देखो अब गुड्स बोल रहे बच्चों, यहां पर ये क्या था हमारा एसेट, तो रिलेवेंट एसेट को डेबिट क्रेडिट करने का है, आ रहे तो डेबिट, जा रहे तो क्रेडिट। अब यहां पर गुड परचेस किया तो क्या एंट्री पास करने का है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेस क्या है हमारा, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का कोई आपको डिटेल में बताएगा मैं बाद में, ठीक है। तो अभी सिर्फ समझो परचेस एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस कैसे, इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर अकाउंट का काफी सारे कंसेप्ट चाहिए होगा, तब जाके आप समझ पाओगे परचेस एक्सपेंसेस कैसे होता है, अदरवाइज कंफ्यूज रहोगे। तो परचेस अकाउंट डेबिट और कैश जा रहे तो क्या करना है आपको, क्रेडिट करना है। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेस गुड्स फ्रॉम महेश रुपीज 30,000। तो अब मैंने महेश से परचेस किया, कैसे परचेस किया, क्रेडिट में। तो अब यहां पर क्या एंट्री पास करने वाला हो, परचेस अकाउंट डेबिट काय को, मेरा एक्सपेंसेस है, महेश क्या हो गया आपका गिवर, गिवर को क्या करना है आपको, क्रेडिट। हाउ मच, 30,000, तो 30,000 डेबिट एंड 30,000 क्रेडिट। तो यहां पर आपने गुड परचेस किया, एक्सपेंसेस है, डेबिट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। महेश पर्सन है सर, पर्सन कहां कवर आता है, पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट क्या बोलते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो महेश से मैं गुड परचेस लाया तो कौन दे रहा है, महेश दे रहा है, महेश क्या हो गया गिवर, ठीक है। तो हम लोग जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें क्या कर रहे हैं, बिजनेस के बुक में है। जनरली बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होगा उसको मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करना है, ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको लिंक कराते रहूंगा और आपको पूरा पिक्चर क्लियर होते रहेगा, ठीक। सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश रुपीज 25,000। तो करीम को मैंने कैश में सेल किया है सर, कैश में ट्रांजेक्शन हुआ ना तो पार्टी का नाम नहीं आएगा, हमारे पास कैश आ रहे तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। अब गुड सेल किए सर, तो सेल हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू क्रेडिट होता है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। तो यहां पर आ जाएगा आपका 25,000 एंड 25,000। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं, गुड सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट, श्याम को क्रेडिट में सेल किए तो क्या एंट्री पास करेंगे, श्याम अकाउंट डेबिट, क्योंकि श्याम रिसीवर है और सेल क्या है हमारा, रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या हो जाएगा, क्रेडिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। कैश पेड टू महेश रुपीज, सॉरी कैश रिसीव फ्रॉम श्याम रुपीज 20,000। तो श्याम ने मेरे को कैश दिया तो मेरे बिजनेस में क्या आया, कैश, तो क्या एंट्री पास करूंगा, कैश आया है तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, काय को श्याम, श्याम गिवर है सर, पर्सन में आता है और पर्सन क्या हो गया आपका गिवर, गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट, वेरी सिंपल। तो अकाउंट बहुत ही आसान है, ठीक है, बस प्रैक्टिकल तरीके से एक्चुअल क्लियरिटी के साथ समझोगे तो, रटना नहीं है क्या चल रहा है, मैं आपको कंसेप्ट के साथ बता रहा हूं, ठीक। कैश पेड टू महेश रुपीज 10,000, महेश के पास गए, ले भाई 10,000 रुपीज। तो अब महेश क्या हो रहा है, रिसीवर, कैश मिल रहे है ना महेश को, तो महेश क्या हो जाएगा, रिसीवर। एंट्री क्या पास करना है यहाँ पर, महेश अकाउंट डेबिट, हमारे बिजनेस से क्या गया, कैश, व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, तो टू कैश कितना जाएगा यहाँ पर, 10,000, ठीक है। तो ये है आपका जर्नल एंट्री, अगर आप जर्नल एंट्री पूरा समझ के आराम से हड़बड़ा के सॉल्व नहीं करना है, स्टार्टिंग में कभी भी एरोप्लेन उड़ता है तो बेटा साइंस ही नहीं होता है, एरोप्लेन पहले टेक ऑफ लेता है फिर उसके बाद उड़ता है स्पीड में, वैसे ही सेम अभी स्टार्टिंग में अपने को अकाउंट आराम से सॉल्व करना है, अभी हड़बड़ाने का नहीं, एक बार पूरा कंसेप्ट अपने को पूरा क्लियर हो जाए
तो अपन क्या करेंगे, फिर एरोप्लेन की तरफ भागेंगे, कंफर्म। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये क्वेश्चन को वापस प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और अकाउंट्स में प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। बिना प्रैक्टिस के आपका स्पीड भी नहीं बढ़ेगा और आपके कंसेप्ट क्लियर होने वाले नहीं है। तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए अकाउंट और बहुत आसान हो जाएगा। तो ये वीडियो को कम से कम आप 2-3 times बिल्कुल देखेंगे। तो 2-3 times अगर आप ये वीडियो देख लिए तो आपके लिए अकाउंट बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो बच्चों ऐसे ही अकाउंट के लिए मैं कंटिन्यू आपके लिए अच्छे अच्छे ट्रांजेक्शन कंसेप्ट और मेरे पपलू ये आप लोगों के लिए कंटिन्यू लाने वाला हूं। तो आप कंटिन्यू बने रहिए। 11th और 12th के बच्चे जिनका एमसीक्यू पैटर्न में इस बार एग्जाम आने वाला है, तो एमसीक्यू पैटर्न में भी मैं क्वेश्चन बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूं। ठीक है बच्चों, बाय। आज मैं आप लोगों के लिए अकाउंट में लेके आया हूं मॉडर्न अप्रोच। तो बच्चों आप लोगों के लिए मॉडर्न अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मॉडर्न अप्रोच को आप अच्छे से आज सीखेंगे। और अगर आप मॉडर्न अप्रोच को अच्छे से सीख लिए तो मैं आपको कई चैप्टर में आपको मॉडर्न अप्रोच से लिंक करने वाला हूं। तो मॉडर्न अप्रोच जैसे ही आपका लिंक हो जाएगा वो चैप्टर आपके लिए एकदम चुटकियों में आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो देखेंगे। जब आपको लिंक करूंगा तो आप खुद बोलेंगे कि मॉडर्न अप्रोच से वो चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो गया। ठीक, तो आज सबसे पहले अपन क्या समझने वाले हैं मॉडर्न अप्रोच को। तो आज अपन मॉडर्न अप्रोच देखने वाले बच्चों, तो मॉडर्न अप्रोच आपको सिखाएगा, हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था डबल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, जहां पर एवरी ट्रांजेक्शन एज अ ड्यूल इफेक्ट, एक क्या होता है आपका डेबिट होता है, दूसरा क्या होता है आपका क्रेडिट होता है। तो आज मॉडर्न अप्रोच आपको सिखाएगा आपको किस ट्रांजेक्शन को डेबिट करना है और किसको आपको क्रेडिट करना है। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज अच्छे से अपन सीखेंगे। तो अब यहां पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ये आपको डेबिट क्रेडिट करना सिखाएगा। तो पहला बोलता है यहां पर बोलता है एसेट क्या होता है आपका डेबिट, एसेट क्या होता है बच्चों डेबिट, ये आपको ध्यान रखना है। और एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये भी आपका डेबिट होता है, एसेट डेबिट होता है और एक्सपेंडिचर क्या होता है आपका ये डेबिट होता है। विड्रॉल अकाउंट मतलब ड्रॉइंग की बात कर रहे हैं, तो विड्रॉल अकाउंट अगर आप ड्रॉइंग करते हो तो वो भी क्या होता है आपका डेबिट होता है। ठीक, तो क्या क्या डेबिट होता है, मॉडर्न अप्रोच बोलता है भैया एसेट डेबिट होता है, एक्सपेंडिचर डेबिट होता है, विड्रॉल अकाउंट क्या होता है ये भी आपका डेबिट होता है, ड्रॉइंग अकाउंट जो है आपका डेबिट होता है। अब क्रेडिट क्या होता है, लाइबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, ये सब आपका क्या होता है क्रेडिट होता है। ठीक, इसमें अगर मैं और लू तो इनकम बोल सकता हूं, यहां पर इनकम भी क्या होता है आपका क्रेडिट होता है। और कैपिटल 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 भी क्या होता है आपका क्रेडिट होता है, कैपिटल लाइबिलिटी में आता है बट आपको पता होना चाहिए कैपिटल भी क्या होता है क्रेडिट होता है। तो इनकम और कैपिटल भी क्या होता है आपका क्रेडिट। अब यहां पर क्या बोलते हैं, एसेट क्या होता है आपका, एसेट डेबिट होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है डेबिट होता है, ड्रॉइंग क्या होता है डेबिट होता है, बढ़ेगा तो डेबिट कम होगा तो क्रेडिट। तो अब इंक्रीज होगा तो क्या करना है आपको, यहां पर इंक्रीज होगा तो आपको डेबिट करना है, इंक्रीज होगा तो डेबिट करना है, इंक्रीज होगा तो डेबिट करना है। अब डिक्रीज होगा तो क्या करना है आपको, अगर डिक्रीज होगा क्या चीज, एसेट, एसेट अगर डिक्रीज होगा तो क्या करना है आपको क्रेडिट करना है, एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा तो क्या करना है क्रेडिट, ड्रॉइंग अगर डिक्रीज होता है तो क्या करना है आपको क्रेडिट करना है। ठीक, तो आपको यहां पर डेबिट किसको किसको करना है क्लियर हुआ कि आपको, ठीक है, और क्रेडिट किसको करना है, अगर एसेट एक्सपेंडिचर और ड्रॉइंग क्या होता है डेबिट, तो जो चीज डेबिट होता है बढ़ेगा तो डेबिट कम होगा तो क्रेडिट, वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहां पर डेबिट और क्रेडिट आप लोगों को क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आता है यहां पर लायबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू, ये क्या होता है आपका क्रेडिट, ये क्रेडिट होता है, बढ़ेगा तो क्या होगा क्रेडिट, कम होगा तो क्या होगा डेबिट होगा, तो बढ़ेगा बढ़ेगा इंक्रीज होगा तो क्या करना पड़ेगा इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीनों अगर आपके इंक्रीज होंगे तो क्या करना है आपको क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो क्या करना है आपको डेबिट करना है, डिक्रीज होगा तो आपको क्या करना है इसको डेबिट करना है। ठीक है, आप एक बार और एक समराइज फॉर्म में आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूं, यहां पर आपको किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है वो अपन देखने वाले हैं। तो जैसे यहां पर बच्चों आपका एसेट,
एसेट एक्सपेंडिचर ड्रॉइंग राइट, एसेट एक्सपेंडिचर और ड्रॉइंग, ये सब क्या होता है आपका डेबिट। इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो क्या करना है आपको डेबिट, तो जो चीज डेबिट होता है इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, और डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हुआ ये? अब हम लोग आते हैं क्रेडिट में। क्रेडिट क्या क्या होता है आपका, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी आपका क्रेडिट होता है, इसमें कैपिटल भी आपका कवर है, रेवेन्यू बोल सकते हैं आप रेवेन्यू, और नेक्स्ट आता है आपका इनकम। ठीक, ये क्या होता है आपका क्रेडिट होता है। ठीक है, अब ये इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो क्या करना है आपको क्रेडिट करना है, जो चीज क्रेडिट होता है इंक्रीज होगा तो क्या होगा ऑब्वियस क्रेडिट होगा, और अगर डिक्रीज होगा तो क्या करना है आपको डेबिट करना है। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। अब सर एसेट क्या होता है, देखो एसेट क्या होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, एसेट क्या होता है ये आपको अच्छे से समझना है। ठीक, तो एसेट में क्या क्या आता है ये आपको देखना है। तो यहां पर आपके एसेट में क्या क्या कवर होता है, तो एसेट में आपका कवर होता है सर लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक। ठीक है, और क्या कवर होता है आपका, इसके अलावा कवर होता है आपका डेटर, बिल रिसीवेबल, अदर इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। ये आपका कहाँ कवर होता है, एसेट में। ठीक है, तो अब अगर ये सब एसेट क्या होता है सर, ये सब आपका एसेट डेबिट होता है, इंक्रीज होगा तो क्या करना है आपको डेबिट, और डिक्रीज होगा तो क्या करना है आपको क्रेडिट करना है। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होता है क्रेडिट, हम लोगों ने देखा था अभी, लाइबिलिटी क्या होता है क्रेडिट, इंक्रीज होगा तो क्या होगा क्रेडिट, तो क्या क्या आता है लाइबिलिटी में, कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन, आपने किसी से पैसा लिया है, क्रेडिटर जिससे आपने क्रेडिट में परचेस किया है, बिल्स पेबल जिसका पेमेंट आप दो या तीन महीने में करने वाले हो, आपने एक्सेप्ट किया है बिल ऑफ एक्सचेंज, तो वो क्या होता है आपका लाइबिलिटी। तो ये सब क्या होता है आपका क्रेडिट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है सर रेवेन्यू क्या होता है, इनकम क्या होता है, गेन क्या होता है। ठीक, तो अब यहां पर रेवेन्यू, इनकम और गेन क्या होता है क्रेडिट, बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। रेवेन्यू मतलब आपने जो सेल किया ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, वो आपका रेवेन्यू, या आप सर्विस प्रोवाइडर है तो जितना आपको मिला है वो क्या हो गया आपका रेवेन्यू। इनकम, इनकम मतलब इंटरेस्ट मिला, कमीशन मिला, ब्रोकरेज मिला, तो ये क्या हो गया आपका इनकम, बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। गॉट इट? वैसे ही सेम एक्सपेंसेस और लॉस क्या होता है, एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, एक्सपेंसेस आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, रेंट, सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज, परचेज, पावर, फ्यूल, कोल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या होता है आपका एक्सपेंसेस, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। ठीक है, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग किसको बोलते हैं, ड्रॉइंग बोलते बच्चों जब बिजनेसमैन, कौन सा मैन, बिजनेसमैन बिजनेस से क्या करता है पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रॉइंग बोलते हैं। ठीक है, तो बिजनेसमैन बिजनेस से जो पैसा विड्रॉ करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रॉइंग, और बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग, कैपिटल। ठीक है, तो ये मॉडर्न अप्रोच है जो आपको ध्यान रखना है, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। ठीक, तो ये बहुत ही आसान है और ये बहुत जगह काम आएगा, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक।